हिमाचल प्रदेश को रहस्यों की भूमि के साथ साथ देव भूमि भी कहा जाता है और आज इस खूबसूरत प्रदेश को 75 साल हो गए हैं, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में जगह जगह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस साल के आखिर में हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी आला कमान ने जयराम के कंधों पर आधिकारिक रूप से सरकार बनाने का जिम्मा सौंप दिया है और इस मिशन को रिपीट करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को चंबा में हिमाचल दिवस समारोह के दौरान प्रदेश का खजाना खोल दिया और जनता को लुभाने के लिए फ्री वाला कार्ड चलते हुए कई बड़ी सौगातें देने का ऐलान कर दिया। हिमाचल वासियों को जयराम ठाकुर ने बड़े तोहफे देते हुए प्रदेश में 125 यूनिट तक घरेलू बिजली फ्री कर दी। इसके साथ ही हिमाचल में महिलाओं को HRTC की बसों में किराए पर 50% की छूट देने की बात कही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का पानी का बिल बिल्कुल माफ करने का भी ऐलान कर दिया। वहीं इस कार्यक्रम में पुलिस और गृह रक्षा के जवानों की टुकड़ियों की ओर से प्रस्तुत मार्च पास्ट की CM जयराम ठाकुर ने सलामी भी ली। कि हिमाचल प्रदेश में 0 से 125 यूनिट तक जीरो बिल दिया जाएगा, कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा और ये मैं समझता हूं कि हिमाचल के सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। जहां पर हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक किराया नहीं लिया जाएगा, 11.5 लाख परिवार इससे जो है लाभान्वित होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में। वहीं हिमाचल के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रदेश की जनता को बधाई दी और इस पर प्रदेश को संबोधित करते हुए PM मोदी ने राज्य के मेहनतकश लोगों की तारीफ की और CM जयराम ठाकुर के प्रयासों को भी सराहा। बीते 7-8 सालों में केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हिमाचल के सामर्थ्य को, वहां की सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। हमारे युवा साथी, हिमाचल के जनप्रिय मुख्यमंत्री जयराम जी के साथ मिलकर ग्रामीण सड़कों, हाईवे के चौड़ीकरण, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, इसका जो बीड़ा डबल इंजन की सरकार ने उठाया है, उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं। गौरतलब है कि CM जयराम ठाकुर के इन ऐलानों के बाद विपक्षी पार्टियों को चुनाव में काफी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने से प्रदेशवासियों को 250 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा। वहीं इस बार हिमाचल के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरा विकल्प बताकर मैदान में उतर रही है, जिससे पंजाब की तरह यहाँ भी मुकाबला कांटे का होने की पूरी उम्मीद है। रमजान के पाक महीने में इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि हिंसा के पीछे का कारण क्या था, लेकिन इस घटना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि फिलिस्तीनी लोग पथराव कर रहे हैं और पुलिस आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड चला रही है। अन्य वीडियो में मस्जिद के अंदर ही लोगों को आंसू गैस के धुओं के बीच खुद को बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। वहीं इस घटना को लेकर राष्ट्रपति महमूद अब्बास और हमास के नेतृत्व वाली फतेह पार्टी सहित कई फिलिस्तीनी संगठनों ने इसराइल की कड़ी निंदा की है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने दुनिया के तमाम बड़े देशों से भी फिलिस्तीन के लोगों को सुरक्षा देने की अपील की है। आपको बता दें कि ये मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं। ये इजराइल फिलिस्तीन हिंसा का दशकों से एक प्रमुख कारण रहा है। वहीं रमजान के इस पवित्र महीने के दौरान अल अक्सा मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए हजारों फिलिस्तीनियों के इकट्ठा होने की संभावना थी। इसराइल ने रमजान से पहले तनाव कम करने की कोशिश के तहत प्रतिबंध हटाए थे। वहीं इस साल रमजान के साथ साथ यहूदी और ईसाई समुदाय के भी अहम त्योहार पड़ रहे हैं, जिससे पहले हुई ये हिंसा ने और सैन्य कार्रवाई ने अशांति की नई लहर पैदा कर दी है।
देश भर में बुलडोजर को लेकर सियासत हो या अजान को लेकर सियासत हो, ये आजकल बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव नियाज फारूकी साहब। नियाज साहब, आप लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी खरगोन को लेकर, जिस तरह से वहाँ हिंसा हुई, बुलडोजर चलाया गया, क्या रहा वो चिट्ठी का, अभी तक क्या किसी तरीके का जवाब आ पाया? अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अभी वक्त इतना नहीं गुजरा है कि हमें इसमें कोई मायूसी हो सकता है बहुत बिजी हैं, लेकिन इशू जो है वो बहुत ही सीरियस था, तो हम ज़रूरी एक्सपेक्ट करते थे कि इसमें थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे इसको लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, हम वेट कर रहे हैं। चिट्ठी में किन किन मुद्दों को आप लोगों ने उठाया है? हमारा मुद्दा सबसे बड़ी दो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक तो ये कि जो कुछ हो रहा है वो उसको कहीं ना कहीं सरकार उसके ऊपर ना एक्शन ले रही है, और बल्कि लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, तो हमारे तो क्रिमिनल लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि जिसमें किसी को सज़ा के तौर पर उसका मकान गिरा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मकान खोल कर सकते हैं। फिर एक आदमी ने उस मकान में अगर एक दो आदमी ने कुछ जुर्म किया हो तो बाकी सब लोगों को सज़ा दी जाए कि सबका मकान गिरा दिया जाए। तो ये इशू था कि जो बिल्कुल ऑन दी फेस ऑफ इट ये बहुत ही जिसे कहें अनजस्टिफाइड इलॉजिकल था कि ये मकान गिराने का क्या इशू चल पड़ा है। और जब से ये यूपी के चीफ मिनिस्टर को बुलडोजर चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा, तो अब दूसरे लोगों को भी ये शौक पैदा हो गया कि उनको भी बुलडोजर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, और इस ये भी शायद कोई मैटर ऑफ प्राइड है, कोई नेशनल प्राइड है कि हम बुलडोजर जो है वो चलाते हैं। पहले लोग जो है वो तोप पर बंदूक चलाया करते थे, अब ये बुलडोजर पे चल पड़ा है कि साहब ये बुलडोजर चलाएंगे, तो ये चीज़ जो थी वो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं। आपको लगता है जिस तरह से घर गिराए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक भविष्य के लिए और अभी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है? देखिए, ये सब चीज़ें जो है अभी भी हमें भारतवर्ष के जो हमारे लोग हैं उसमें भी मेजॉरिटी जो है वो सेम लोग हैं, वो लोग जो भी सो कॉल्ड के वो हिंदुत्व में भी हैं, हम उनको भी इतना वो नहीं समझते कि ऐसी बेवकूफ़ी की काम को और ऐसे इलॉजिकल काम को भी जस्टिफाई किया जाएगा। सैनिटी विल प्रिवेल, हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि सरकार को जो इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए वो इसमें एक्शन लें, और उनको लेना पड़ेगा, आफ्टर ऑल पीपल इट इज़ डेमोक्रेसी, तो लोगों का उनके ऊपर दबाव ज़रूर पड़ेगा। लोग अब खाली मुसलमान ही थोड़ी, हर कम्युनिटी से लोग खड़े होकर बाहर आ रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ आवर पर्पस। हमारा मकसद तोड़ना नहीं है, हमारा मकसद तो लोगों को जोड़ना है, और कैसे भी बुरे हालात हों हमें अपनी सैनिटी को और जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको नहीं छोड़ना है। खरगोन की बात हुई, एक हाल ही में अजान को लेकर अजान बनाम हनुमान चालीसा चल रहा है, अलीगढ़ हो वाराणसी हो, यहाँ पर लोगों ने लाउड स्पीकर लगाकर जो है अजान के वक्त हनुमान चालीसा पढ़ाया जा रहा है, इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, और जो लगातार अजान को बैन करने की मांग हो रही है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये लोग कुछ भी कर लें, ना अजान का कुछ बिगड़ने वाला है, ना हनुमान चालीसा कुछ बिगड़ने वाला है, इसके मानने वाले जो लोग भी इसमें जनरली यकीन रखते हैं इसे करते रहेंगे। हज़ारों साल से अजान भी दी जाती रही है और इस बोली में दी जाती रही है, और लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं, लोग इसे पसंद करते हैं, और सबकी कंसेंसस और सहमति की वजह से अजान दी जाती रही है। कोई अजान देने में किसी बंदूक का इस्तेमाल तो होता नहीं है कि साहब किसी ने ज़बरदस्ती से इम्पोज किया हो, आफ्टर ऑल इट इज़ ए डेमोक्रेसी एंड इट इज़ द विल ऑफ द पीपल, तो अजान जो है सबकी सहमति से हो रही है। इसी तरीके से हनुमान चालीसवा भी हमारे मुल्क की मेजॉरिटी जो है वो इसमें बिलीव करते हैं, उसको करते हैं, इसमें ना कोई बुराई है और ना कोई, जितनी ज़रूरी हमारे लिए अजान है उतनी ज़रूरी है हनुमान चालीसा। एक दूसरे को एक के मुकाबले में खड़ा करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारा मुल्क का जो दस्तूर है वो ये कहता है हम सबका रिस्पेक्ट करें और सबका बराबर का हक है, तो अजान का जिस तरीके से अजान होनी चाहिए उसी तरह हनुमान चालीसा होने में हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कुछ लोग हनुमान चालीसा करने लगे बजाय इसके कि वो और कोई गंदे काम करें, बुरे काम करें, उसे छोड़ करके और वो फिल्मी गानों पर सड़क पर डांस करते फिरें, उससे तो बहुत बेहतर है कि हनुमान चालीसा करें।
तो अगर वो दूसरे लोग अपने मजहब के ऊपर यकीन रखते हैं और उसे करते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं, आपको कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो समय दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त अजान होगी उसी वक्त हनुमान चालीसा जी, ये सब टेम्परेरी बातें होती हैं। मुल्क के हालात हैं, एक मखसूस माहौल होता है जो क्रिएट किया जाता है जिसमें गर्म किया जाता है लोगों को, मकसद तो एक दूसरे के साथ लड़ाने का है। तो सब देश दुश्मन लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, न तो वरना तो दोनों में तो कोई बात ऐसी है नहीं है कि अजान तो पांच वक्त होती है और अलग अलग वक्तों में होती है, कहाँ तक वो हनुमान चालीसा का और इसको लड़ाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। और गलत बात कभी हमेशा नहीं चलती है, कभी कभी उनको कामयाबी मिल सकती है लेकिन ये हमेशा चलेगी, अजान नहीं सोचते। एक आखिरी सवाल, हिजाब हुआ, हलाल हुआ, करौली हिंसा हुई, खरगोन हुआ, अजान हुआ, बैक टू बैक जिस तरह से जो सांप्रदायिक चीज़ें हो रही हैं, इस पर जमीयत उलेमाए हिंद क्या कदम उठाने की कोशिश कर रही है, और क्या ये आगे के लिए कोई बड़ी तस्वीर पेश होने वाली है, क्या इस बात का भी डर बना रहना चाहिए? जो हो रहा है गलत हो रहा है और इसमें सरकार की कमजोरी है, उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शहरियों के माल और जान की हिफाजत की जो उनके ऊपर जिम्मेदारी है दस्तूर की तरफ से, तो उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से जब जस्टिस फेल करता है तो फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तो पूरी जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी फेल हो रही है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो अभी भी मुल्क के जो हमारी मेजॉरिटी है वो लोग जो है इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, और अभी भी हम लोग एक वन नेशन है, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार का हमारा ताल्लुक है। हमें अभी लोग हमें तोड़ने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो एविल एंड गुड हैज़ ऑलवेज एक्सिस्टिंग टुगेदर एंड दे हैव फेस ईच अदर एंड दे द चैलेंज इज ऑलवेज देयर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी वजह से प्रोवोक होते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी होप कुछ होपलेस हो जाते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये कहना है, प्लीज़ डोंट गेट होपलेस, प्लीज़ डोंट गेट प्रोवोक्ड, ये टेम्प्रेरी है, हमेशा से ऐसा होता रहता है, ऐसा भी होता रहेगा, और हमें इस सब के बावजूद जो हमारी एक दूसरे के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा प्यार है, हमारा एक खून है, हमारी एक परंपरा है, हमारा एक पास्ट है, हमारा एक फ्यूचर है, हमारा एक प्रेजेंट है, इसको कोई शख्स न तोड़ सका है और न तोड़ सकेगा। हुकूमतें आती जाती रहेंगी और ये ऐसे लोग जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होते हैं और न होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.